नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम पद से दिए गए इस्तीफे की। केंद्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रही इंडिया अलायंस की नीतीश नायडू पर टिकी मोदी सरकार की नींव की। सोने के चक्कर में रावण से समझौता करने वाले अयोध्या वासियों की बात करेंगे। ओबीसी की आंखों में रड़क रहे पीएम मोदी की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में एनडीए 292 सीटें जीतकर भी इंडिया लाइन से हार गई है। इसके साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे आज कौन कौन से सरकारी नौकरियां निकली हैं और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इससे पहले की खबरें शुरू करें, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दोनों ही पार्टी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। आप कमेंट करके बताएं कि देश में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वीकार, बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। वहीं पीएम मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक की दी जानकारी। नीतीश नायडू पर टिकी देश की सरकार, जिस पाले में गिरेंगे उसकी बनेगी सरकार। दोनों नेता अपने पुराने मित्रों से मिलकर मार सकते हैं मोदी के एनडीए गठबंधन से कल्टी। बीजेपी के साथ बड़ा खेला करके बनवा सकते हैं इंडिया ब्लॉक की नई नवेली सरकार। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीत हार के नतीजे आए सामने। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। वहीं कांग्रेस 99 सीट जीत कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के भाजपा के दावों के बीच पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री की जुबान पर भाजपा कम और एनडीए का नाम ज्यादा रहा। वहीं पीएम ने विशेष तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जिक्र किया है। देश में मोदी फैक्टर हो गया खत्म, इंडिया अलायंस को मिला भगवान राम का आशीरवाद। चुनाव नतीजों के बाद बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। साथ ही कहा कि संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोग सफल हुए। लोकसभा चुनाव में बसपा का सूपड़ा साफ हुआ तो मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भड़की पार्टी प्रमुख मायावती। कहा कि बसपा का खास अंग मुस्लिम समाज है, जो उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बसपा को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन अब आगे सोच समझकर ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा कि देश में जैसा माहौल था उसके अनुसार बीजेपी को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और ना ही कभी था। अयोध्या में बीजेपी के हारने पर महंत राजू दास का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि अच्छा हुआ भगवान राम जी रावण जी से युद्ध लड़ने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से ही समझौता कर लेते। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार और कांग्रेस नेता किशोरी लाल की जीत पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन। कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अब उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन बुरी तरह पीटे अडानी ग्रुप के शेयर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि दिलचस्प बात यह है कि जनता मोदी को अडानी जी के साथ सीधा कनेक्ट करती है। मोदी जी की हार होती है तो स्टॉक मार्केट कहता है कि मोदी जी गए तो अडानी भी गए। पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। बुद्ध जयंती पार्क में पौधा लगाकर की शुरुआत। इसका उद्देश्य देश भर में अभियान चलाकर पौधारोपण को बढ़ावा देना है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दी पीएम मोदी को चुनावी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री बोले कि हम भारत इटली रणनीति साझेदारी को और मजबूत करेंगे। 5 बार के सीएम नवीन पटनायक ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उड़ीसा में 24 साल बाद बीजेडी की हुकूमत हुई खत्म। भाजपा पहली बार बनाएगी अकेली सरकार। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी जीत के लिए काशी के मतदाताओं का जताया आभार। वहीं कांग्रेस बोली कि जनादेश मोदी के खिलाफ, यह उनकी नैतिक और राजनीतिक हार। आईडीबीआई बैंक ने 160 पदों पर और नवोदय विद्यालय समिति ने 736 पदों पर निकाली शानदार वैकेंसी। वहीं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी विजिट करें आर के अलर्ट वेबसाइट पर।
स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के 19 केंद्रीय मंत्रियों का कटापता। कंगना रनौत, अरुण गोविल जीते। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को 8.21 लाख वोटों से मिली बड़ी जीत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। जनता ने बता दिया कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के संपर्क में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद बोले कि हम संविधान बचाने के लिए साथ आए हैं। जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं, वे सब हमारे साथ आएंगे। चुनाव परिणाम के बाद 4389 अंक टूटने के बाद बुधवार को सेंसेक्स ने लगाई 2303 अंकों की लंबी छलांग। साथ ही निफ्टी में भी आया 735 अंकों का उछाल। वहीं एचयूएल के शेयर 8% बढ़े। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका को किया खारिज। साथ ही दिल्ली सीएम के मेडिकल टेस्ट करवाने के दिए निर्देश। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही आज की इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही इंडिया अलायंस की। जी हां, इंडिया अलायंस बहुमत के आंकड़ों से 38 सीटें पीछे हैं, लेकिन वह अपने पुराने मित्रों के जरिए एनडीए की सीटों में सेंध मार कर अपनी सरकार बनाने की सोच रही है। जहां एनडीए में कांग्रेस का पुराना दोस्त नीतीश भी शामिल है, जिसकी इंडिया अलायंस में वापसी कराकर इंडिया अलायंस मोदी को बड़ा झटका दे सकती है। तो ऐसे में जानते हैं इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए किन किन समीकरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मोदी की बीजेपी सरकार का सारा घमंड चकनाचूर हो गया है, क्योंकि इन चुनाव ने मोदी मैजिक की धज्जियां उड़ा दी हैं। स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के 19 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। हालांकि मोदी के एनडीए ने 292 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़ों से 272 से 20 ज्यादा है। लेकिन अकेली बीजेपी को इन चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वह 240 सीटों पर ही सिमट गई, जो बहुमत के आंकड़ों से 32 सीटें कम है। ऐसे में बीजेपी की नींव एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू की टीडीपी में नीतीश की जदयू पार्टी पर टिकी है। इस समय टीडीपी के पास 16 सीटों का बहुमत है और जदयू के पास 12 सीटों का बहुमत है। वहीं दोनों पार्टियों का कुल बहुमत 28 सीटें हैं। अगर ये दोनों पार्टियां अपना हाथ पीछे खींचती हैं, तो बीजेपी 264 सीटों पर आकर रुक जाएगी और यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़ों से 8 सीट कम होगा। ऐसे में बीजेपी का विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ 234 सीटों वाली इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है। इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं, तो संख्या 262 पहुंच जाएगी। के अलावा निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियां मिलकर 18 सांसद हैं। अगर उनमें से 10 भी इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तो वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी और सरकार बना सकती है। इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश नीतीश और चंद्रबाबू को अपने गठबंधन में शामिल करने की होगी। वहीं नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने से पहले 3 बार पलट चुके हैं। अगर इंडिया ब्लॉक नीतीश को अच्छी पोजीशन ऑफर करता है, तो वे फिर से बदल सकते हैं और इंडिया ब्लॉक की नई नवेली सरकार बनने में मदद कर सकते हैं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक अपनी सरकार बनाने के लिए साठ गांठ करने जैसे तिकड़म खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार जंग जीतकर पीएम पद पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। जी हां, एक तरफ विपक्ष अपने सरकार बनाने के लिए उतावली है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की है। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंप दिया। मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिए गए हैं। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया है। चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त
भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। भाजपा की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन यहाँ की जनता ने भी बीजेपी को ओंधे मुँह गिरा दिया, जिसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अयोध्या वासियों पर करारा हमला बोला है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली यूपी में बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अयोध्या सीट से वह चुनाव हार गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 5,54,000 वोट से जीते हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को लगभग 5,00,000 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,000 वोट मिले। इस हार के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अयोध्या वासियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। क्या अयोध्या वासियों को राम मंदिर के मुद्दे पर वोट डालने चाहिए थे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।